हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं कि प्लान क्लोजर की न्यूज़ हमारे फ्रेंड्स, एजेंट्स और सभी लोगों ने अब मार्केट में घर कर दिया है प्लान क्लोजर के लिए। तो एक जानना इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि ये जो प्लान क्लोजर है, ये हमें ऐसा ना हो कि जैसे कि केक है और हम खाने जा रहे हैं और वो केक हमें महंगी पड़े। तो इसलिए जब प्लान क्लोजर आप जा रहे हो कन्वेंसिंग के लिए, तो एक कुछ बातों के ध्यान जरूर रखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट थिंग जो है कि फ्रेंड्स, जब हम बिग बिजनेस लेने जाए या कोई भी बिजनेस लेने जाए, तो कस्टमर अगर पूछता है कि प्लान क्लोजर आपका है, तो उसको अगर थोड़ा सा हिंट जरूर देना है कि हाँ, ये चीज़ से हम प्लान क्लोज़र कर रहे हैं। जैसे कि अभी हमारा सरेंडर वैल्यू का 1 ईयर का सरेंडर वैल्यू है, और साइड बाय साइड ये आप ज़रूर बोल सकते हैं कि हाँ, प्लान में भी बहुत सारे चेंजेस हो सकते हैं। क्योंकि ये बोलना ज़रूरी इसलिए है कि अगर कस्टमर को बाद में मालूम चला कि भाई, हम जो प्लान लिए हैं वो तो हमें लॉस मेकिंग हो गया है, तो फिर वो कस्टमर अपना थोड़ा छूट सकता है। तो इसलिए वो लॉस मेकिंग तो नहीं होएगा, LIC ऑफ इंडिया किसी का लॉस मेकिंग नहीं करती है, लेकिन फिर भी हमारा बोलने का फर्ज है। तो LIC का प्रॉफिट मेकिंग हो गया उसको, तो बेस्ट से बेस्ट है। लेकिन अगर कस्टमर पूछता है, तो हमें ज़रूर बोलना है कि प्लान क्लोज़र के साथ में कि इसमें सरेंडर वैल्यू का ऐसे ऐसे सो सो चेंजेस होने वाला है, और हो सकता है कि इस प्लान के ये आगे प्लान आपको नहीं मिलने वाला, इतने बेनिफिशियल प्लान आगे नहीं आए, ये बोलना हमारा कर्तव्य है। नहीं तो आप बोलेंगे नहीं, अलग अलग तरीके से ट्रिक करेंगे, तो वो आपके लिए हार्मफुल हो सकता है बिजनेस के लिए। तो आशा करता हूँ कि आप स्मार्ट कैट बनेंगे, कि अच्छे से उस कस्टमर को हैंडल करेंगे और उसको प्लान क्लोज़र के बारे में बताएंगे और अच्छे से अच्छा बिजनेस ले सकते हैं। अब हमारे पास में कुछ 1 महीने बचे हुए हैं, और इस महीने के अंदर हमारे सारे फ्रेंड्स जो है, ज़्यादा से ज़्यादा इस बिज़नेस को करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा अपना इनकम सोर्स को बढ़ाएंगे। आगे बोल नहीं सकते कि हमारा या तो इंसेंटिव कम हो सकता है या कस्टमर के चेंजेस हो सकते हैं, बहुत सारे चेंजेस आने वाले हैं। तो हैप्पी कैट बनिए, खुशी से अपना बिजनेस कीजिए। 1 मंथ है आप सबके लिए, और एक ज़रूर बात याद रखिए कि आगे के 30 दिन बाद में हमें आगे के बिजनेस की भी प्रिपेयरिंग अभी करना है, क्योंकि ये 1 मंथ हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। इस 1 मंथ में हम जिस तरीके से कस्टमर को टैकल करेंगे, आगे का बिजनेस भी उसी बेस पे आएगा। क्योंकि प्रिपेयरिंग आगे के किस तरीके से प्लान आएंगे, क्या आएंगे, अभी ये कस्टमर बेस बनाने का गोल्डन अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। तो ये वीडियो बनाने का यही कारण था कि काफ़ी सारे मैंने देखे हैं कि बहुत सारे जो चूहे होते हैं, न्यू चूहे बोलेगा तो नए चूहे हैं, तो नए चूहे केक्स के लिए बहुत अट्रैक्टिव करते हैं, बट वो केक हार्मफुल भी हो सकता है। तो स्मार्ट कैट बनिए और बिजनेस अच्छा कीजिए, और कस्टमर हैंडल अच्छा कीजिए, और फ्यूचर बिजनेस ज़बरदस्त मिलेगा हमें, क्योंकि हमारे साथ में LIC ऑफ इंडिया है। बेस्ट से बेस्ट प्रोडक्ट देगी हमको, और बेस्ट से बेस्ट कस्टमर सर्विस हम LIC के हिसाब से देंगे। मैं आपका पीयूष शर्मा, LIC ऑफ इंडिया से। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत। थैंक यू, वंदे मातरम।